हेलो गाइस, कैसे हैं सभी भाई अपने। तो गाइस, आज मेरे पास आया है रोलैंड का स्ट्रीट क्यूब बनने के लिए, जिसका कि एक इनपुट जैक जो है वो काम नहीं करता है प्रॉपर। तो देखते हैं, उसको मैं बताता हूँ कि किस टाइप का है वो, और उसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं, क्या दिक्कत है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ गाइस कि कैसा है क्यूब। रोलैंड का क्यूब माइक और गिटार के डिस्टॉर्शन के काम आता है, जो कि इको भी देता है, डिले भी देता है और वॉल्यूम के भी काम आता है। तो आपको बताता हूँ मैं कैसा है। तो देखिए गाइस, भाई गाइस आपको खोल के दिखाता हूँ क्या वैरायटी है, कैसा वाला क्यूब है। ये मेरे हाथ में है, अभी आपको खोल के दिखाता हूँ गाइस। ये आप खोल रहे हैं इसको, आप खोल के देखिए। ये रहा क्यूब रोलैंड का, जिसको हम खोलने वाले हैं। इसका ये जैक काम नहीं करता, ये वाला जो जैक है इसका, इसको हम खोलेंगे, खोल के देखते हैं इसका क्या जुगाड़ बनता है। तो आइए इसको खोलने की प्रोसेसिंग, पहले ये कभी खोला नहीं है तो अभी आज खोल के देखते हैं कैसा है। तो इसकी जो खोलने की प्रोसेसिंग है यहाँ से करते हैं, शायद इसके अंदर भी नट होंगे। देखते हैं खोल के क्या कुछ खोलना पड़ता है। ये खोलने के लायक नहीं, ये भी नहीं है, खोलेंगे, ये भी नहीं खोलेंगे। ये खोल चुका, स्पीकर खोल के देखते हैं। तो ये जले हुए भी अंदर से, और काफ़ी कचरा भी है इसमें, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा है इसमें। तो अभी हम ब्रश मंगा रहे हैं, एक ब्रश मंगाने के बाद इसकी खोल के क्लीनिंग करते हैं, तब तक हम ये इसको खोलते हैं, क्योंकि शायद ये वाला जग खराब है हमारा, ये वाला। तो ये वाला ये साइड का स्पीकर खोल के फिर देखते हैं इसको। तो इसके लिए यही स्पीकर खोलते हैं, फिर इसके बाद पता चलेगा कि हमें क्या खोलना है क्या नहीं। ये पूरे जल चुके हैं, ये देखिए आप, ये जला कैसे ये तो पता नहीं है। बस एक तो जा भाई, एक ब्रश खरीद के लाऊं, ठीक है। ले, इसका तो कनेक्शन ही नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर कनेक्शन जो है, आई थिंक ये खुले पड़े हुए हैं, और दूसरे वाले स्पीकर के ये भी खुले पड़े हैं, ये दोनों वाले खुले पड़े हैं। ये पता नहीं केबल किसने लगाई, शायद पहले खुला होगा या कुछ किया गया है इसमें। इसको खोलने के लिए अंदर लोहे की प्लेट खोल दी, ये दो स्क्रू लगे हैं इसमें। दोनों वाले स्क्रू खोलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं प्लेट पूरी बाहर आती है। ये भी खुल गया, तो क्योंकि हाँ ये खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। इसको पूरी पूरी प्लेट से बाहर निकालते हैं, शायद कोई और स्क्रू ना हो, अभी देख लेते हैं। हाँ, ये खुल गई पूरी की पूरी प्लेट,
देख सकते हैं ये लकड़ी का जो बॉक्स है ये अलग हो चुका पूरा, और ये हमारे पास है इसकी प्लेट। तो हमारा जो है ये वाला जैक ख़राब है, हमारा ये वाला जैक ख़राब है। तो ये प्लेट खोलते हैं, उससे पहले ब्रश मंगा के इसकी क्लीनिंग करते हैं अंदर से। और ये रॉयल एनफील्ड का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें से आपका गिटार भी चलेगा, माइक भी चलेगा, गिटार के लिए डिले भी देगा, आउटपुट देगा, और माइक के लिए भी प्रॉपर इसकी जगह बनी हुई है। तो ये इसका बैटरी का कवर खुल गया, ये संभाल के रखते हैं यहीं पर। हाँ, तो ये इसकी प्लेट हुई सीधी, ये बहुत टाइम से आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ही खुल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जैक ख़राब है हमें, तो इसके ओरिजिनल जैक तो मिलेंगे नहीं हमें यहाँ पर, क्योंकि ये रोलन का प्रोडक्ट है। तो ये फुट स्विच जो है ये कभी शायद ये यूज़ नहीं किए गए हैं, तो हम ये फुट स्विच में से एक खोल के यहाँ से हमें एक खोल लेंगे और प्लेट खोलते हैं सफाई के बाद, फिर इसको चेंज करते हैं हम। तब तक आप देख सकते हैं बहुत पुराना है ये सिस्टम, बस ब्रश आने की देरी है, इसको खोल के देखते हैं अगर। गाइज, इसकी जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर हो चुकी है, और अभी ये प्लेट ओपन कर रहे हैं, ये भी ओपन करेंगे, ये भी ओपन करेंगे। तो इसमें से एक जैक निकाल के, ये रहा जैक ये वाला, तो ये फिट करके देखते हैं कैसा रहता है। तो आइए प्लेट खोलते हैं फिर देखते हैं। फिट कर। तो गाइस एक तो ये खुल चुका है, तो ये रहा, ये पूरा सिस्टम हमें चेंज करना है ये वाला। तो दूसरा भी खोल के देखते हैं सेम है या नहीं। तो भाई ये हमारे दोनों खुल चुके हैं जैक, ये भी खुल चुका है, और ये हमें चेंज करना है। तो अब ये देखना है कि ये दोनों सेम है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, नहीं भाई ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये 4 and 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सेम ही है, बिल्कुल डिट हुआ। तो यही एक जैक खोल के वहाँ पे लगाते हैं फिर देखते हैं। तो इसके लिए हमारे शोल्डरिंग आयरन, इसको गर्म करेंगे यहाँ पे, चलो यहीं पर लगा लेते हैं। उसके बाद पूरा ये सिस्टम उठा के ही ये जैक निकालते हैं ये वाला, फिर लगा के देखेंगे प्रॉपर सेटिंग। ये जो शोल्डरिंग है ऐसे नहीं निकल रही है, उसके लिए हमें ये एक कॉपर वायर का एक हमें कुछ हल्का सा एक जुगाड़ करना पड़ेगा, जिससे कि ये कॉपर वायर जो इसके जो शोल्डरिंग है
इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एक बार ट्रायल करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से देखते हैं काम करेगा या नहीं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो शोल्डर है हम ये बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से सबका सब ये ऐसे ही निकलेगा बाहर। ये देखिए सब ऐसे ही निकलेगा। तो गाइस हमने ये दोनों के दोनों खोल लिए हैं, जो इसके जैक है इनपुट के लिए। तो यहाँ से ये भी खुल गया है, एक ही बचा है, और इस साइड से ये भी खोल लिया हमने। तो इसमें से जो ठीक वाला है, जो ख़राब है वो ये रहा। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि अंदर इसमें शायद पानी गया है, कहे तो कहे फंस गया। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि अंदर पानी लगा हुआ है। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंदर फंगस लगी पानी की वजह से। हो जाए भाई क्लियर। तो ये देख सकते हैं आप, हाँ ये देखिए अंदर में पूरा फंगस लगा हुआ है इसमें पानी की वजह से। ये देखिए अभी क्लियर दिख रहा होगा। तो ये है सही वाला, जो कभी यूज़ ही नहीं हुआ इस पीस में, क्योंकि फुट स्विच कभी इसमें यूज़ नहीं किया गया। तो ये वाला पीस जो है, ये थोड़ी थोड़ी इसकी ऊपर से सफाई करने वाले हैं और इसको फिट करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो इसकी सफाई करते हैं, थोड़ी थोड़ी ऊपर की जो ये शोल्डरिंग है ये हटाते हैं, इसको हम फिट करेंगे। इंडिकेटर चलता नहीं जाला। पता नहीं कैसे फिटिंग करता है। तार दो ला। कर दिए काम? तार तो दो। हाँ? तार दो। कौन सा ये? हाँ, कभी यार शोल्डिंग है। कौन सा हो गया? नो, कर दिया। चेंज कर दिया? हाँ, ये खराब वाला पानी लगा है इसको, ये देखो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। सूखा के गले। बेर बूर फेंकते हैं ना, देखो। इसको वहाँ डाल दो। कहाँ से लेकर? ना। फोन्स का भी है आपके पास? फोन्स का कहाँ से होगा? ये देखते हैं। आपने फोन्स का निकाला है? नहीं नहीं, निकाला फोन। फोन तो काम कर रहा है। मैंने फुट स्विच का निकाला है। सेम है ना? हाँ हाँ। लाइट नहीं जल रहा तेरे घर में? टच होने मत देना आपस में। नहीं नहीं, वापस में कैसे टच करेंगे? पांच होता है ना? सात। सात है? सात पैर है इसका भी। सात है, ये देखो। सात है इसका। नहीं नहीं, काम तो दोनों ही करना होता ना, ठीक नहीं के लिए रखा है कोई, समझे? हाँ, बाकी तो बाकी तीन ही है काम। तो ये फिट हो चुका है, तो अब आप देखो लगा के कनेक्शन। तो गाइस हमने ये चेंज कर दिया, इसका जो इनपुट जैक है ये वाला, ये चेंज कर दिया। तो दूसरा जो फुट स्विच हमने खोला उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी रिप्लेस नहीं किया, तो
ये कभी यूज़ ही नहीं किया, तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक ये इनपुट का है, ये फोन्स का था। तो अभी चेक करके देखते हैं, चेक करके क्या कंडीशन है, काम करता है प्रॉपर या नहीं। तो अभी हमारे पास हेडफोन आ चुका है, अडाप्टर इसका निकाल रहे हैं और लगा के चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। गाइस ऑलमोस्ट ये ठीक हो चुका है प्रॉपर। हमारे सर संजय राणा जी ने प्रॉपर ये चेक किया, अपने हेडफोन वगैरह ये लेके आए थे, माइक भी लेके आए थे। तो बस इसकी अब फिटिंग करने वाले हैं, इसको वापस चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद आपको फिर से बताते हैं कैसा है ये। रोलैंड स्ट्रीट क्यूब खोला गया आज। ये काफ़ी हमारे ब्रांड का बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसका रिपेयर हो रहा है, रिपेयर हो ही चुका है, सर्किट का प्रॉब्लम था। देखने में छोटा है लेकिन इसका सर्किट बहुत ही स्टेशन। ये इसकी प्रॉपर फिटिंग हो गई है। तो अब ये लगा रहे हैं हम बैटरी कवर, और इसकी पावर आगे आ चुकी होगी। ये देखिए गाइस इसकी पावर आ गई है। अभी हेडफोन में भी चेक होगा, ये विदाउट हेडफोन के ये चेक नहीं होगा। ठीक है टाइट है पूरा। तो अब हमारे सर इसी को लगा के चेक करेंगे। प्रॉपर है, चलेगा ना दोनों। हमने स्पीकर के कनेक्शन लगाए, स्पीकर भी चल पड़े हैं। हेलो, एक गिटार पॉइंट ठीक हो गया। हेलो, प्रॉपर चल रहा है इसका, सब कुछ गुड कंडीशन। गाइस आपने देखा कि हमने आज ये रोलैंड का जो स्ट्रीट क्यूब है, वोकल एंड गिटार के लिए जो यूज़ किया जाता है, डिले और इको के लिए जो पर्पस यूज़ किया जाता है, हमने आज वो खोल के ठीक किया, रिपेयर किया। उसकी जो एक इनपुट का उसका जो जैक था ये रहा, तो ये पूरा इसके अंदर पानी लगा हुआ था, ये पानी की वजह से पूरा का पूरा ख़राब था, ये आप देख सकते हैं। तो सर चेक कर रहे हैं हमारा क्यूब पूरा ओके हो गया प्रॉपर। तो हमारी कोशिश यही है गाइज कि हमारे पास जो भी मशीनरी आएगी, जो भी सामान आएगा, हम उसको एंड तक ठीक करने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी। तो गाइज बने रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, किसी नई मशीन पे, किसी नई जगह पे। तो तब तक के लिए बने रहिए आप रोलैंड के साथ और हमारे संजय राणा के साथ।